पवन सिंह के बाद निरहुआ का चुनाव प्रचार किए आजमगढ़ में नीलकमल सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, हाल ही में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का नामांकन था। नामांकन में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार लोग गए थे पवन सिंह के नामांकन में, जिसमें से नीलकमल सिंह काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे, क्योंकि नीलकमल सिंह किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार पवन सिंह का चुनाव प्रचार किए नीलकमल सिंह मंच के माध्यम से। और पवन सिंह के बाद दिनेश लाल यादव ने रघुआ जी का चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ गए थे कल नीलकमल सिंह, जो कि वहां से बहुत सारा तस्वीर आया है निकलकर, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं और वीडियो में भी चला दिया हूँ। और दिनेश लाल यादव ने रघुआ जी एक बहुत ही अच्छे नेता प्लस अभिनेता है, कभी दिखावा नहीं करते हैं, गरीबों का मसीहा भी है। अब चलिए बात कर लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह के बारे में। क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे? तो दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर पार्टी आदेश देगी यानी दबाव देगी इन लोगों पे, तो करना ही पड़ेगा। और अपने मन से दिनेश लाल यादव निरहुआ कभी भी पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। और आप सभी को बता देना चाहता हूं, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह का दोस्ती बरकरार है, एक ही साथ एंट्री हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ तो दोस्तों, अभी का बड़ी खबर यही है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का चुनाव प्रचार कल किए नीलकमल सिंह। हाँ तो दोस्तों, ये रहा चुनावी अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।